नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। बीजेपी सांसद मेनका गांधी आए दिन अपने बयानों की वजह से काफी चर्चे में है और अब मेनका गांधी ने खेरवाल दंपत्ति पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल यहां पर आईएएस खेरवाल दंपत्ति के ट्रांसफर को लेकर मेनका गांधी ने अपना गुस्सा जो है वो जाहिर किया है और यहाँ पर खेरवाल दंपत्ति पर जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं और किसी साजिश का हिस्सा है, इस तरह के संकेत मेनका गांधी ने दिए हैं। दरअसल कुछ समय पहले आईएएस खेरवाल दंपत्ति पर ये आरोप लगे थे कि स्टेडियम में उन्होंने कुत्ता टहलाया, जिसकी वजह से जो है उनका ट्रांसफर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया। और इसी पर अब मेनका गांधी का कहना है कि वो लोग काफी ईमानदार है और मैं उन्हें अच्छे से जानती हूं और उनके खिलाफ जो है ये साजिश किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मेनका गांधी लगातार जो है अपनी ही पार्टी यानी कि बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रही है। कुछ समय पहले बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वरुण गांधी ने भी यहां पर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए थे और अब उनकी मां मेनका गांधी भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही हैं। और जिस तरह से आज आईएएस दंपत्ति पर मेनका गांधी ने अपनी नाराजगी जताई है, जिस तरह से यहां पर बीजेपी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश मेनका गांधी की तरफ से हो रही है, अब बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आएगी ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद। Yeah.